संतोष सर, जीनस पावर का चार्ट देखिए। और देखिए ये मुझे जहां तक ध्यान है आ रहा है अलेक्स जी, ये कंपनी शायद इलेक्ट्रिक मीटर बनाती है और स्मार्ट मीटर शायद बनाती है, लेकिन ऊपर इस तरह से काफी गिरावट हुई है स्टॉक में। तो लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप लेने की सोच रहे हैं बहुत शॉर्ट टर्म में, तो एटलीस्ट 79 to 80 रुपीज की क्लोजिंग जरूरी है इस स्टॉक में। और अगर 79 या 80 के ऊपर चलता है तब इसमें आपको एक कह लेंगे 10 से 15 रुपए का आपको मिल सकता है, लेकिन लेने के बाद आप देखें कि 79 के ऊपर ले तो 77 रुपए के करीब का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाएं इस स्टॉक में। ठीक है, अगर सर मेरा थोड़ा सा 3 से 6 महीने का नजरिया है तो क्या मैं ऐड कर लूं, होल्ड करूं या एग्जिट कर जाऊं, अगर मेरे पास पहले से पोजीशन भी है? ठीक है, अगर पहले से पोजीशन है तो मुझे थोड़ा सा फंडामेंटली देखना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम मिले मुझे। हाँ, लेकिन मैं ऐसा देख पा रहा हूँ कि कंपनी में जो रिटर्न रेशियोज हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी कहने जिसे हम बहुत क्लोजली वॉच करते हैं, या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कहने, रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल जो है वो देख लें, तो जो लास्ट ईयर कंपनी ने पोस्ट किए हैं उस लिहाज से हमारी जो कैटेगरी है, हम जिस भी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो एटलीस्ट इन 3 चीजों को पहले चेक करते हैं कि प्रॉफिटेबिलिटी होनी चाहिए कंपनी में। ग्रोथ अगर लाने की बात कह रही है या फिर हम फ्यूचर आउटलुक देख रहे हैं तो कंपनी का जो करंट बिजनेस है उस बिजनेस में कंपनी कितनी प्रॉफिटेबल रही है। अगर उसमें प्रॉफिटेबल नहीं है तो हमारे लिए वो नेगेटिव मार्किंग हो जाती है और कंपनी फिर हमारे जो भी पोर्टफोलियो हम रैंक नहीं कर पाती है तो हमारे मतलब कहने की दायरे से बाहर निकलती है, तो वो उस हिसाब से तो बाहर निकलती हुई दिख रही है कंपनी। कंपनी के प्रमोटर होल्डिंग ठीक है, हम लोग जो देखते हैं 40% से ऊपर रहनी चाहिए वो ठीक है, लेकिन रिटर्न रेशियो के खराब है। कंपनी का वर्किंग कैपिटल काफी ज्यादा है, 900 करोड़ रुपए का वर्किंग कैपिटल है कंपनी का और 2000 करोड़ की कंपनी है। तो ये थोड़े थोड़े से जो है कुछ अलार्मिंग सिग्नल्स हैं जिसमें कि लॉन्ग टर्म में अगर आपको देखनी है ये चीजें तो कंसर्निंग होता है। कंपनी का अगर मैं फिक्स एसेट्स भी देख लूं कि किस तरह मूव कर रहा है, तो लास्ट के 4-5 सालों में फिक्स एसेट्स में कंपनी ने पैसे नहीं लगाए हैं, डेप्रिसिएशन के थ्रू बढ़ते गए, कम हो गए। CWIP नहीं है, मतलब कोई भी आने वाले दिनों में प्रोजेक्ट नहीं है, मैंने अभी इनके इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन या फिर एसेट्स मैनेजमेंट नहीं देखा हूं। तो लॉन्गर टर्म में जो चीजें देखते हैं वो चीजें थोड़ी मिस है इसमें। स्टोरी जरूर हो सकती है बट इसमें नंबर्स में वो चीज मैच नहीं करती है। तो मेरी तरफ से तो वो सलाह नहीं होगी कि आप लॉन्गर टर्म के लिए अगर देखते हैं तो आपके पोर्टफोलियो में ये स्टॉक लेना चाहिए। ठीक है, तो ये रहा जीनस पावर पे पूरा डिटेल्ड एनालिसिस संतोष ने मेरे लिए कर दिया बढ़िया तरीके से।